क्या बात है गाइस, आज डबल डबल खुशी है। दशहरे के मौके पे सुपर सेल टाउन हॉल 15 दे रहा है हम लोगों को। आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी टाउन हॉल 15 के ऊपर, कि कौन कौन से न्यू लेवल्स आने वाले, क्या क्या होने वाला है टाउन हॉल 15 के ऊपर। नहीं देखिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आज गाइज हमारा होने वाला है पहला टाउन हॉल 15 का गेम प्ले। हम लोग टाउन हॉल 15 के बेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर वही सारी चीजें होंगी जो स्निक पिक 1 के अंदर थी, जिसके अंदर एनिमी बेस के ऊपर यहाँ पे वॉल्स मैक्स रहेगी, सारे डिफेंसेस मैक्स रहेंगे, सारे हीरोज मैक्स रहेंगे। और हम लोग गाइज टेस्ट करने वाले हैं टाउन हॉल 15 को टाउन हॉल 14 से अटैक करेंगे। इस बेस के ऊपर हम लोग सबसे पहले हाइब्रिड आर्मी के साथ अटैक करने वाले। लेट्स सी गाइस, टाउन हॉल 15 के ऊपर हाइब्रिड आर्मी कितनी पावरफुल है, टाउन हॉल 14 की हाइब्रिड आर्मी, ठीक है, 14 के ये मैक्स लेवल के ट्रूप्स है। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले इस बेस के ऊपर, क्वीन चार्ज हम लोग टाउन हॉल से ही करने वाले। सो यहां से हम लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि टाउन हॉल हमारा कितना पावरफुल है। चलो गाइज वॉल ब्रेक करने, वॉल यहां पे ब्रेक कर दी, दो बलून्स यहां पे आएंगे। ओके गाइज, लेवल 60 का एनिमी का बुड्ढा है, मतलब ग्रैंड वार्डन, जो कि बहुत ज्यादा ही डैमेज करेगा। लेवल 55 का कितना डैमेज करता था, तो अभी ये लेवल 60 का तो हद से ज्यादा ही डैमेज करेगा। और टाउन हॉल देखते हैं गाइज, टाउन हॉल का हिट पॉइंट यहां पे बढ़ा दिया है सुपर सेल ने, और टाउन हॉल का जो पॉइजन है, पॉइजन थोड़ा अलग तरीके का दिखता है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे टाउन हॉल जैसे ही फटेगा, टाउन हॉल का जो पॉइजन रहेगा थोड़ा अलग टाइप का पॉइजन दिखेगा हम लोगों को। कम ऑन आर्चर क्वीन गाइज, यहाँ पे एक्सबो, आर्चर टावर, इन सब का लेवल बढ़ चुका है। ये देख लो गाइज, पॉइजन स्पेल देख रहे हो, मतलब टाउन हॉल फटने का थोड़ा अलग टाइप का पॉइजन है, राइट। यहाँ पे अर्ली पॉइजन और एक फ्रीज डाल देंगे, जिससे कि दिक्कत ही ना हो हमारी क्वीन को। चलो गाइस, टाउन हॉल की पॉइजन के अंदर थी अपनी क्वीन, लेकिन सारे की सारी रेड स्पेल्स हम लोगों को यहीं पे क्वीन के ऊपर लगानी पड़ी। एसबी आएगा यहाँ पे, ओके। चलो गाइस ठीक है, और बार्बेरियन किंग आएगा, उसके बाद सारे माइनर्स, बुड्ढा, हॉक्स आएंगे, और हमारी रॉयल चैंपियन भी आएगी पीछे से। क्वीन की एबिलिटी, बाप रे गाइस, ये तो काफी टफ जा रहा है हमारा अटैक। यहाँ पे एक फ्रीज डाल देंगे, बुड्ढे की एबिलिटी, भाई साहब यहाँ पे एक हील और यहाँ पे एक हील। सीसी के ऑक्स आ गए थे यहाँ पे, सीसी के अंदर हम लोगों ने शायद मैक्स हॉग राइडर्स लिए थे, नहीं मैक्स नहीं यार, सेम लेवल के हॉग राइडर्स, क्योंकि हॉक राइडर्स का न्यू लेवल आया ही नहीं है टाउन हॉल 15 पे, माइनर्स का न्यू लेवल आया है गाइज। लेकिन स्टिल हम लोग टाउन हॉल 14 से इस 15 के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये पूरा 15 मैक्सड आउट नहीं है, अभी भी कुछ स्निक पिक्स बचे हैं गाइज। ये उड़ गया क्या गाइज, मेरे को तो लग रहा है ये खत्म हो गया बेस। पेक्का है, पेक्का के पीछे विजर्ड्स है एसबी के, किंग जिंदा है, आरसी जिंदा है, और क्वीन भी जिंदा है, और हिलर्स भी जिंदा है। गाइज हाइब्रिड अटैक से तो ये बेस उड़ गया, अभी हम लोग वो स्ट्रेटजीज ट्राई करेंगे जो बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं लोग। अभी हम लोग ट्राई करेंगे गाइज हाइड्रा आर्मी। ओके गाइज, अभी हम लोग अगला अटैक करने वाले इस बेस के ऊपर, और हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले लेजेंडरी स्पैम हाइड्रा आर्मी, जो बहुत हद से ज्यादा लोग यूज करते हैं, मतलब लेजेंड लीग में हर दूसरा बंदा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, हाइड्रा आर्मी के साथ हम लोग ट्राई करेंगे। हाइड्रा आर्मी का कोई भी न्यू लेवल नहीं आया, मतलब ना ड्रैगन का, ना बलून का, ना ड्रैगन राइडर का, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन सीसी के अंदर सुपर विजर्ड और सुपर आर्चर लिया है हम लोगों ने, जिनका एक एक न्यू लेवल आ चुका है, तो वो हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, ब्लिम को अपने को गाइस टाउन हॉल के पीछे खोलना है, जिससे कि अपने सुपर विजर्ड टेक डाउन कर सके। चलो भाई, बुड्ढे की एबिलिटी दे दी एकदम परफेक्ट टाइम पे। बार्बी रेन किंग और क्वीन बेस के बाहर से काम करेंगे, अभी पूरा ध्यान ब्लिम पे देना है अपने को, ठीक है। इधर डालेंगे एक रेज, ओके, लेकिन वी कम ऑन मैन। चलो गाइस, सुपर आर्चर भी है और अपने दो सुपर विजर्ड है जो काम कर रहे हैं मस्त वाला। टाउन हॉल को टेक डाउन कर लिया इन्होंने सक्सेसफुली, एक और इनवी, इसी डाउन करो यार, हद हो गई, वेस्ट हो गई गाइस अपनी इनवी स्पेल। गाइस इधर से अपने को वैल्यू ही नहीं मिली है बिल्कुल भी। एक रेज डालेंगे यहाँ पे, ओके, एक फ्रीज, अभी भी अपने पास स्पेल्स बच चुके हैं गाइज। कम ऑन, इनके पास एबिलिटी, आरसी के पास एबिलिटी है। ओके लेट्स सी गाइज, अभी पूरा हीरोज के ऊपर ही है,
देखते हैं हमारे हीरोज कितना खींच सकते हैं, क्योंकि यार अपनी जो हाइड्रा आर्मी थी वो बहुत जल्दी मर गई। ठीक है तो भाई हाइड्रा आर्मी पे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, क्योंकि आर्मी थोड़ा जल्दी ही मर गई, लेकिन उसके बावजूद जो अपने 80-80 लेवल के हीरोज हैं वो कितना खींच पाएंगे गाइज, लेट्स सी। क्योंकि मैक्स लेवल के हीरोज नहीं है ये, हमारे टाउन हॉल 14 के हीरोज हैं, मैक्स के 85, 85, 60 और 35 है। ठीक है अभी भी एक फ्रीज है, ओके फ्रीज हम लोग एक काम करेंगे इस पे डालेंगे स्कैटर पे, जिससे कि किंग खा सके स्कैटर को। गाइज यार वैसे देखा जाए तो हीरोज ने काम तो अच्छा करा यार 80 लेवल के हीरोज ने, फिर भी वैसे मैक्स हीरोज भी नहीं है ना ही अपने मैक्स ट्रूप्स भी थे, टाउन हॉल 11 के ट्रूप्स थे ना अपने सारे, बस सीसी के अंदर मैक्स थे अपने ट्रूप्स। ओके गाइज ये वाला अटैक आई थिंक फेल हो जाएगा, टाइम बहुत कम है, क्वीन के पास एबिलिटी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वैल्यू ठीक ठाक खींच ली है यार यहाँ से। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिड आर्मी को टेस्ट किया, अभी हाइड्रा आर्मी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, 96% आया हाइड्रा आर्मी के साथ। तो ये दो स्ट्रेटजीज हो गई जो बहुत ज्यादा यूज होता है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे लावालून आर्मी। ओके गाइज अभी इस वाले बेस के ऊपर हम लोग लावालून करने वाले, सुई लावालून अटैक, सुई लावालून मतलब अपनी वही ब्लिंप और क्लोन वाली लावालून, वो सुई लावालून ही हो गई। तो गाइज देखो ये वाला बेस है, ओके गाइज ये रही अपनी टाउन हॉल 11 की आर्मी, लेट्स गो फॉर अटैक। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बलून डाल के हम लोग ब्लिंप डाल देंगे, रेज और क्लोन, जिससे कि अपने को इधर से एनिमी क्वीन और स्कैटर वगैरह मिल जाए। क्या बात है गाइस, टेस्ला फार्म भी इधर ही है। ओके हेड हंटर आ चुके हैं गाइस सीसी के अंदर से, और एनिमी का सीसी का हाउसिंग स्पेस भी यहाँ पे बढ़ चुका है, मतलब 50 हाउसिंग स्पेस के ट्रूप्स कैरी कर पाओगे अभी आप सीसी के अंदर। ओके गाइस ये पूरा कंपार्टमेंट इधर से मिल चुका है, हेड हंटर बच चुका है सीसी का, और एक लावा हॉन्ड बच चुका है। ओके चलो भाई अभी इस लावा को मारेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइजन स्पेल आएगा लाव पप्स के लिए। ओके एक वॉल ब्रेक, चलो गाइस वॉल ब्रेक हो चुकी है। ओके बलून डालेंगे, बार्बेरियन किंग, बार्बेरियन किंग को टाउनल कंपार्टमेंट में लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है ओके आइस गोलम आएगा, अरे यार फिर भी आर्चर टावर ने आइस गोलम को नहीं पकड़ा, क्वीन को ही पकड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके आरसी आएगी, दो हेड हंटर्स और एक फ्रीज, जिससे कि जल्दी जल्दी एनिमी का बार्बेरियन किंग टेकडाउन हो जाए, लेवल 85 का है। चलो आइस गोलम भी फट गया, अच्छी बात है। कम ऑन एक फ्रीज डालेंगे टाउन हॉल के ऊपर, जिससे कि बार्बेरियन किंग जल्दी टेकडाउन कर सके टाउन हॉल को। अबे टाउन हॉल निकालो यार, क्या कर रहे हो, निकाल दिया भाई सक्सेसफुली, चलो भाई ठीक है। आरसी एबिलिटी ठीक ठाक वैल्यू अपने को मिल चुकी है, लावालून चालू करेंगे, टाइम काफ़ी कम है। ओके हेड हंटर्स आएंगे वापिस, एक लावा, गुड्डे की एबिलिटी, एक हेस्ट, कुछ लून्स यहाँ पे। ओके यहाँ पे कुछ लून्स, यहाँ पे कुछ लून्स, यहाँ पे सारे लून्स, एक फ्रीज, कम ऑन मैन मल्टी टेक डाउन करो यार, पहले मल्टी डाउन करो, मल्टी अभी तक डाउन हुआ ही नहीं है। मिनियंस आएंगे क्लीन अप के लिए, एक रेज अभी भी हमारे पास बच चुकी है, क्वीन है, चलो गाइज क्वीन ने निकाल दिया मल्टी, बलून्स भी है और एक रेज बच ही गया गाइज, ये तो हो गया गाइज, ये लावालून से हो गया, हाइब्रिड से हो गया, हाइड्रा थोड़ा मुश्किल पड़ा, लेकिन अगर अच्छे से करेंगे हीरोज मैक्स रहते तो शायद वो भी हो जाता। तो गाइज ये था अपना टाउन हॉल 15 का स्नीक पिक 1 का गेम प्ले, अभी और भी स्नीक पिक आने वाले, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।